हाय गाइस, मैं हूँ यश मोहर। बाहर जाने हमारे फ्रेंड से मिली विवेक सर, हमारे पीस ऑफ मोटिवेशन भी है, हमारे फ्रेंड भी रह चुके हैं। वो बात उनमें ही जो हम सर से मोटिवेशन एक ड्राइवर 27 MH विवेक सर बहुत ही अच्छे इंसान है यार, मोटिवेटिव है यार। उनको कॉल कर दो, पॉजिटिव आदमी हमसे बड़े भी हैं। वाइजर लगा लिया है मैंने, अभी तो नया माइक इंस्टॉल किया, बोया का माइक लैवियर आई गेस। तो शायद एक हाथ अनबॉक्सिंग वीडियो करना पड़ेगा, लेकिन अनबॉक्स तो पहले कर चुका हूँ, यूज़ भी कर रहा हूँ उसकी आवाज़ क्वालिटी। लेकिन आउटडोर कंडीशंस में और ट्रैफिक में ये चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। कैमरे के सामने बोलना आसान बात तो नहीं होती है, जाहिर सी बात है कि आपको कुछ स्क्रिप्ट लगेगा, लेकिन आप मोटो ब्लॉगिंग में स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता कि सामने सिचुएशन आती जाती है उसके रिगार्डिंग आप बात करते जाते हो। मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो शायद दिक्कतें आती हैं, हमको जाना है नवाते, ऐसी एसिडिटी होती है पता है, फिर यार दोस्तों के साथ तो चाय तो बनती है। यह है भाई साईनगर, गणेश उत्सव के वक्त सब शांति रहता है। वैसे ये कैंटीन भाई बहुत ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा बाइक्स चल रही थी उन कैंटीन की वजह से, वहाँ पे चाय सुट्टा चलता है, तो सुट्टे वाले तो वही बाइक लगा के चले जाते हैं, कुछ केयर लेते नहीं है भाई। किसी को दिक्कत होगी या अपने बाइक से अपन बाइक खड़ी कर रहे हैं वहाँ से दिक्कत होगी, कुछ कोई टेंशन नहीं लेता यार। यहाँ पे LOC खुला है, चाय चस्का बार लगा है नया, और ये भी एक चाय चस्का बार एक ही ओनर के हैं, हमारे फ्रेंड ही है, उसका कैफे था कैफे इटालियस, उन्होंने लोकेशन चेंज कर लिया है, कटोरा नाका है गेस। आई एम राइडिंग R15 कुछ भाई एथर का शोरूम, एथर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। हम आ गए हैं TVS के शोरूम के पास, सुजुकी के शोरूम के पास, संदा मोटर्स। यहाँ पे मिलेंगे हमको विवेक सर शायद, यहाँ पे विवेक सर नहीं है, गाड़ी दिख रहा है यहाँ, शायद यही उनका गाड़ी है, ये दिखे हमारे विवेक भैया। इग्निशन बंद, साइड स्टैंड, ये कभी चाबी बंद और लॉक, और ये हम चल पड़े विवेक सर को मिलने। विवेक भैया रंभ अमृत तुल्य, मोबाईल मोबाईल लावून फिरू राहिला यूट्यूब नाही, चला चालू करा म्हटलं काहीतरी नवीन। तो भाई ये है हमारे विवेक सर जिनके बारे में बात की थी। भाई हम आए थे अमृत, काफी अच्छी चाय थी यार। भाई आपका नाम? अनिकेत। अनिकेत ने बहुत अच्छी चाय दी भाई, हम अमृत तुल्य। ये आता है भाई यूपी के शोरूम के बाजू में, चाय अच्छी मिल जाए तो बस सातुरने में। भाई रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, हम चलते राइट साइड। ये एरिया है भाई सातुरना एरिया, यहाँ से हमको लेना है राइट, आउट होता है। मैं एक बार गया था पिछली बार, काफी अच्छे लोग थे यार वहाँ पे, एक सर जो शायद सचिन सर थे। दोस्त ने बोला था यार लोगो डाल दे ऑडोमीटर पे, लोगो डालना चाहिए, नहीं तो कोई भी वीडियो कॉपी कर सकता है। ये सातोना एरिया भाई, अश्विनी कॉलोनी है, आयकर भवन। ये है इनकम टैक्स ऑफिस, इंडिकेटर, इंडिकेटर इज इंपॉर्टेंट, कोई रोड पे हो ना हो यार इंडिकेटर देना चाहिए। एंट्री करनी पड़ेगी हमको, एंट्री कर लगन का यश मोहर, यहाँ पे एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद आपको विजिटर पास मिलेगा। पायरा चढ़ और डावी कड़े आईडी कार्ड 18 नंबर, काफी बड़ी बिल्डिंग है यार, अच्छी हरियाली है यहाँ पे। गवर्नमेंट तो कोणते असले मोठे असले का सर, सगळ्यात जास्त पैसा वाला डिपार्टमेंट आहे।
का प्रिंट आउट निकालना है तो हमारे साइबर कैफे हमारा साइबर कैफे ये है भाई शिवाजी कमर्शियल के बाजू में बियानी कॉलेज है पिछली साइबर कैफे में काम हुआ नहीं तो हम आए हैं अभी गजानन साइबर कैफे देखते हैं यहाँ काम होता है इन्कम टॅक्सची ड्युटी करा सर तुम्ही एक नंबर खास वाटाय तुम्ही एकदम आयकर विभाग हो दहा टाकले एकदम दहा दीप पाळ होता हो गया भाई काम अपना परमिट हो गया टेंशन का काम छोलो भाई निकलते फिर अभी अब निकलते घर घर से बोले एक चाय लेते यार वो यार चाय लवर एक चाय वही सेम अपना भाई सेफ्टी फर्स्ट आगे पीछे देखो निकलो चला गया ये रोड जाता है माड़ा कॉलोनी ये चीजें नहीं होनी चाहिए यार बीच में गाड़ी खड़ी करके ये यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं गलत बात है यार वो साइड में भी सकते हैं ना बहुत रोड बहुत जगह है बहुत जगह है इनको क्या पता क्या जा रहा है भाई एक बार फिर आए हम आरंभ अमृतुल्य मेरा भाई अनिकेत गाड़ी लगा देते थे साइड में लोगों को ज़रा अलग ही कुछ लगता है कैमरे की बात तो अलग है मोबाइल कुछ अलग ही लगता है भाई ने हाथ दिखाया भाई फिर से आ गए कहाँ जाने के चाय एक नंबर होता भाई हम निकल रहे हैं कुछ इश्यू होगा था एचआरए का सर का क्या इश्यू किसी अननोन पर्सन ने एचआरए जो है होम रेंट अलाउंस वो मैंने फैन पे रिपोर्ट किया था टैक्स रिसीवर के लिए हाँ राइट टैक्स बेनिफिट के लिए वो अननोन पर्सन ने मेरे नाम पे एचआरए क्लेम किया था ये एज अ ओनर दिखाया है और दैट पर्सन इज लाइक टेनेंट वो टैक्स बेनिफिट ले रहा था मुझे ओनर दिखा के पर वो मेरे अकाउंट पे एज इनकम शो कर रहा था तो मैंने आईटी डिपार्टमेंट में जाके आज रिपोर्ट कर दिया वापस सर थे आलम सर है उन्होंने आलम हेल्प की हाँ वो भी आईटी होते वहाँ पे फिर हमने कंप्लेंट किया ना कंप्लेंट ऐसी कि वो बोगस है हाँ पैन कार्ड बोगस है एंट्रीज है वो हमारे हिसाब से तो गलत लग रही है हमको फेक लग रही है तो हमने रिपोर्ट कर दिया अब आईटी डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई कर हमारे तरफ से हम क्लियर हो गए पैन कार्ड उसको वेरीफाई होगा राइट ओके ओके भाई दिस इज आवर डे एंड द डे स्पेंड विद विवेक सर अच्छा लगा यार मिलके बहुत हम रूममेट्स है एंड काफी अच्छी बात हम अभी भी कांटेक्ट में हैं रूम yes. छोड़ दिए सर की शादी हो गई थी तब हम सर ने रूम छोड़ी तो अभी भी हम कांटेक्ट में हैं ये हमारे लिए बहुत मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है सर के लिए भी एंड फैमिली वाइज भी हम कनेक्टेड हैं और हम लोग जब भी मिलते हैं उस टाइम पे हमको ऐसे कभी फील नहीं होता कि हम एक साल बाद मिल रहे हैं या छह महीने बाद कल परसों ही मिले थे भाई यस यस ओके भाई चलो तो स्टे ट्यून तो भाई विवेक सर से मिल लिए अच्छा लगा यार मिलके चलते अभी घर को सर का काम तो हो गया वैसे तो वैसे देखते भाई ये पागल कौन है मोबाइल हेलमेट को लगा के घूम रहा है वाज ऑन 1x मोड तो हमने अभी उसको वाइड एंगल पे डाल दिया भाई
लेकिन यार मेरा जो S23 का कैमरा वाइड एंगल है वो काफी ठीक लगता है, थोड़ा फिश आई वाला फील वो देता है, लगता है कैसे जैसे फिश आई वाला, थोड़ा साइड में जो ब्लर है, सेंटर के थोड़ा साइड में जो ब्लर है वो दिखता है, बट ठीक है यार। GoPro से ऐसे नहीं कि GoPro यूज़ नहीं करना है, तो करते हैं, मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो मुझे ट्राई करना है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है भाई खतरनाक है, 4K का जो क्वालिटी है N63 FPS का बहुत खतरनाक है भाई, मतलब बहुत ही खास। तो ये तापड़िया मॉल है, हमारे अमरावती की शान है फिलहाल, तो लोगों को संडे को कुछ नहीं करना आता है तो बस तापड़िया आ जाते हैं। यहाँ पे मिराज भी है, डोमिनोज है, KFC है, बर्गर किंग है, बस यहाँ मैकडी होना चाहिए यार। अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है ना भाई तो मैकडी के लिए कुछ करो। अभी बच्चे लोगों ने घेर लिया था भाई, भाई गाड़ी का स्पीड कितना है बोले, तुम्हारा लास्ट स्पीड क्या है, तुम्हारी दोनों हाथ तो छोड़ के गाड़ी चलाते हो क्या, एक तो पूछ रहा था तुम्हारी गाड़ी का साउंड एक बार दिखा दो बोले। अरे मेरे हारन भाई भाई इनलाइन फोर थोड़ी है, तो भी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं यार, तो उनको लगता है कि भाई क्या ही मतलब गाड़ी का साउंड होगा वगैरह वगैरह, बच्चे रेव करते हैं ना, मेरा तो मेरी भी गाड़ी रेव कर दी यार। अच्छा लगता है यार बच्चों, अपन जब बच्चे थे तुम लोगों को लगता होगा कि भाई क्या येड़े, लेकिन अब पता चलता है कि भाई उनको थोड़ा लगता होगा कि भाई क्या गाड़ी है, क्या चला रहे हैं, उनको क्या पता कि गाड़ी में बहुत सारे फर्क होते हैं, बहुत सारा डिफरेंसेस होता है। तो यार गया दिन अच्छा यार, आज सर का काम भी हो गया, थोड़ी बातें भी हो गई, मिलना भी हो गया सर से, सर ने इंफॉर्मेशन भी दी तो वो भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, लेट्स सी क्या पावड़े सर, ये पावड़े सर थे कल या परसों, गाड़ी पे लोगो लगाना है मुझे, यूट्यूब का मुझे लोगो लगाना है, काफ़ी हेल्पफुल होगा, रात का भी थोड़ा अलग ही आता है यार, कैमरा तो पता नहीं क्या परफॉर्म कर रहा है या नहीं, लेकिन कुछ अलग ही व्यू है रात का। ठीक तो आ रहा है शायद, रात में बाइक चलाने का मज़ा अलग ही है यार, मुझे तो ज़्यादातर रात में थोड़ा रिस्क लगता है, बट फिर भी कुछ अलग ही फैंटेसी होती है। हाँ बट लाइट्स की वजह से थोड़ा इशू होता है, ऐसे नहीं कि मेरे को भी चश्मा है, बट थोड़ा इशू होता है। हेलमेट अगर आप पहनते हो, वाइजर वगैरह यू, तो ब्लैक पे थोड़ा अलग ही, बट स्मोक खरीदने का मैंने ट्राई किया था तो ना खास नहीं था, मतलब मैंने निकाल दिया वो, और वाइट भी था वो भी निकाल दिया मैंने, सो मैं अभी टिंटेड यूज़ कर रहा हूँ, वो टू इन इन द सेंस रात को भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, अगर मैं अभी हेलमेट के अंदर से दिखा नहीं सकता आपको, बट या अच्छा इट्स बैक टू होम। तो गाइज ये था मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग, अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर कोई सजेशन है प्लीज कमेंट, प्लीज लेट मी नो, अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज योर फ्रेंड यश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।